हेलो फ्रेंड्स, द सुबीज किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही अलग सी रेसिपी, बहुत ही अलग सी सब्ज़ी, भिंडी की रसेदार। तो देखिए, मैंने यहाँ पे भिंडी ले ली है। भिंडी कौन सी ली है वो मैं आपको बताती हूँ। जब हम मार्केट जाते हैं भिंडी लेने, तो भिंडी को ऐसे कई लोग छांटने नहीं देते हैं, तो हम ऐसे उठा के ले आते हैं। तो जो चेर वाली निकलती, जिसे जठर बोलते हैं, जिसमें बीज ज़्यादा रहते हैं, जो अच्छी तरह से कटती भी नहीं है, उस भिंडी को फेंकने की बजाय आज हम उसकी रसेदार सब्ज़ी बनाते हैं। तो प्लीज़ आप उसे फेंकिएगा नहीं, ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती। तो देखिए, इस तरह से भिंडी को धो करके हम काट लेंगे। 2 से 3 भाग करने हैं भिंडी के। फिर एक कढ़ाई में तेल ले लिया है, 3 चम्मच तेल। लहसुन की कुछ कलियाँ डाल दी हैं, लहसुन आप ज़रूर डालिएगा। फिर इसे हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं, तल लेते हैं। 3 से 4 सूखी लाल मिर्च जो आती है उसे डाल देंगे। 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। तीनों ही चीज़ को अच्छी तरह से तल लेना है। इसे तलने के बाद फिर हम जो भिंडी काट के रखे हैं उसे डाल देंगे। भिंडी डालने के बाद हम करीब 4 से 5 मिनट इसे लो फ्लेम में पकने देंगे। थोड़ा सा भिंडी को चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और 4 से 5 मिनट इसे पकने के लिए रख देंगे। तो इस तरह से हमें चम्मच चलाते हुए भिंडी को पकने देना है। तो फ्रेंड्स, फिर मैंने यहाँ पर डाला है 2 टमाटर। टमाटर भी बहुत ही महंगा है अभी, तो इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ 2 ही टमाटर डाला है। तो देखिए, इसे ढक करके 3 से 4 मिनट और पकने देते हैं। इस तरह से टमाटर जब हल्का सा गल जाए, तो इसमें डाल दिया है मैंने कच्चे आम के 3 से 4 टुकड़े, इसे डाल दीजिए। अगर आपके पास कच्चे आम नहीं है तो आप आम का खोइला भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप इसमें नींबू, 1 नींबू आधा नींबू निचोड़ सकते हैं। इससे भिंडी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। जो थोड़ा सा कड़वापन है जो इस रेसे वाली भिंडी रहती है उसमें लगता है, वो नहीं लगता। फिर मैंने यहाँ पे डाला है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। नमक डाल दिया है 1.5 चम्मच। लाल मिर्च पाउडर डाला है 1 चम्मच, क्योंकि हम सूखी मिर्ची डाल चुके हैं। सभी को मिला लेते हैं। फिर मैंने यहाँ पे डाला है 1/2 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैंने डाला, टेस्ट अच्छा लगता है गरम मसाला से, लास्ट में भी डाल सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे पहले ही डाल दिया। सभी मसालों को मिक्स कर लेते हैं। 4 से 5 मिनट भिंडी को मसालों के साथ तलाने देते हैं। फिर देखिए, जब 4 से 5 मिनट हो जाएंगे, भिंडी हल्की सी और पकते हुए आ जाएगी, तो फिर इसमें डाल दिया 1 लोटा पानी। 1 लोटा पानी इसलिए डाला है क्योंकि इसे रसेदार बनाना है और भिंडी को थोड़ा सा अच्छी तरह से पकाना है। आप यकीन मानिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ऐसी भिंडियों को फेंकने की बजाय आप इसका यूज़ कीजिए, इसकी सब्ज़ी बनाइए। फिर मैंने एक कटोरी में 2 चम्मच गेहूं का आटा लिया है, छोटे चम्मच से। उसका घोल बना लीजिए, उसे डाल दीजिए। गेहूं का आटा अगर आपके पास नहीं है तो आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है, इस घोल को डालने से रसा जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए, इसे 10 मिनट कम से कम मीडियम लो फ्लेम में हम इसे पकने देंगे, भिंडी की सब्जी को। और मैंने यहाँ पे चावल निकाल लिया है थाली में और भिंडी की ये सब्जी बनकर तैयार है। रसा भी मस्त गाढ़ा हो गया है। अब इसे कटोरी में निकाल लेते हैं। धनिया पत्ती डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कैसी लगी भिंडी की सब्जी, प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।